Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7, गो माय जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? सुबह के 5 बज गए हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है पेक्यूलियर इडियम्स और फ्रेजेस को आपके सामने लेकर। तो गाइस, शुरू से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है, और अगर आपको ये अच्छा लगता है कि आपने एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ नया सीखा है, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जो भी नया व्यूअर हमारे पास आ जाया है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे एस एस सी अड्डा के मेंबर बन सकते हैं। तो आज का सबसे पहले मैं एक बार आपको टाइमिंग बता देता हूँ। जो भी मेरे रेगुलर शोज होते हैं, वो टाइमिंग एक बार आपका ये है, 5 AM मेरा पिक्यूलर इडियम्स होता है जो कि मैंने अभी ले रहा हूँ आपके सामने। 4 PM पे मैं SSC CPO का प्री, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है, उसके बारे में मैं आपको प्रिपरेशन करवाता हूँ। उसमें मैंने क्या कर रखा है अभी गाइज, आपके डेली जो SSC CGL के 2018 के आपके जो भी आप लोगों के एग्जाम हुए थे, उसको मैं सॉल्यूशन इन डिटेल आप लोगों को वहाँ पे करवाता हूँ। और 10:30 में वोकैब का एक शानदार शो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जिसमें वोकैब से ट्रिक्स हम लोग करते हैं और बहुत सारे वोकैब्स को लर्न करते हैं। और 11:30 पे मेरा जो शो है वो है ग्रामर गन का। तो गाइज, आज का पहला वर्ड है आप लोगों की आंखों के सामने, ए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? व्हाइट आपको पता है सर, सफेद होता है। एलिफेंट आपको पता है हाथी होता है, सफेद हाथी नहीं होता। व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज आपने जो खरीद ली है, एक तो बहुत महंगी खरीदी है, ऊपर से उसको कोई यूज नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा घर में कई बार आप ऐसी चीजें लेके आ जाते हो जिसका जो महंगी बहुत होती है लेकिन उसका कोई भी यूज नहीं होता। इफ ए पर्सन और ए थिंग यू कैन से इज यूजलेस, उसको हम क्या बोल सकते हो? व्हाइट एलिफेंट। तो कंप्यूटर जी जरा एक बार जल्दी से इसका आंसर दिखाएंगे। समथिंग विच इज़ नॉट यूजफुल बट वेरी कॉस्टली, जो यूजफुल बिल्कुल भी ना हो लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट एलिफेंट। आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आया होगा। तो व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट यूजफुल बट वेरी कॉस्टली, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो लेकिन यूजफुल ना हो। आपने देखा होगा हाथी जो होता है किसी पार्क में बना तो देते हैं, कोई यूज़ का होता है? नहीं होता है। वैसे आपको सफेद हाथी बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, फ्रेज नंबर टू आप लोगों की आंखों के सामने, अ वेट ब्लैंकेट। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा ईडियम ये आपका है, आपके एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है। वेट का मीनिंग होता है गीला, ब्लैंकेट का मतलब चादर, गीली चादर नहीं। वेट ब्लैंकेट का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो आपके एंजॉयमेंट को स्पॉइल कर देता है। मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, ए फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट का मीनिंग भी वही होता है जो वेट ब्लैंकेट होता है, ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग, या जो आप लोगों के एंजॉयमेंट को स्पॉइल कर देता है, आप लोगों के एंजॉयमेंट को जो खराब कर देता है, ऐसे से इंसान को क्या बोलते हैं? ए वेट ब्लैंकेट। आई होप आपको यह वर्ड पसंद आया होगा। जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। SSC अड्डा इज इक्वल टू योर सक्सेस, कम ऑन। तो आज का हमारा जो थर्ड है, आज का हमारा थर्ड वर्ड है ए टक शॉप। गाइज, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में नए सीखते हो। जब मैं यहाँ पे आया था तो टक शॉप का लिटरली मैंने पहली बार सुना था। टक शॉप जो होता है उस ऐसी शॉप को बोलते हैं जहाँ पर आप किसी स्कूल में, कॉलेज में आपने देखा होगा छोटी सी कोई कैंटीन होती है, उस कैंटीन में आप लोग क्या करते हो? चाय पी लेते हो, बिस्किट खा लेते हो, स्वीट्स खा लेते हो। उस शॉप को आप क्या बोलते हो? टक शॉप बोलते हो। हमारे यहाँ पे भी एक टक शॉप है। तो टक शॉप का मीनिंग होता है कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर आप क्या करते हो, किसी कॉलेज या स्कूल्स में जहाँ पर आप सॉफ्ट ड्रिंक हैं, जहाँ पर आपके स्वीट्स हैं, वो आपके बेचे जाते हैं या बिकते हैं। तो अब कभी भी आप लोग ऐसे नहीं बोलोगे कि चलो चाय की दुकान पर चले, आप लोग ऐसे बोलोगे चलिए कम ऑन लेट्स गो टू द टक शॉप। तो गाइज, ये तीनों वर्ड्स अगर आपको पसंद आए हो तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको इन वर्ड्स को याद करना है तो आपको क्या करना है पता है? सिर्फ कमेंट बॉक्स में तीनों के मीनिंग आप लोग मुझे फटाफट लिख के दिखा दीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। और 4 बजे शाम को मिलते हैं अपने SSC CGL के शो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।